दोस्तों आज हम जानेंगे कि किन किन व्यक्तियों का अंगूठा किस प्रकार की बनावट लिए हुए है और अनेक प्रकार की बनावटों वाले अंगूठों में से किस किस का और किस किस शेप का आकार का अंगूठा भाग्यशाली उनके लिए होता है, उन स्त्री पुरुष के जिनके हाथों पर इस तरह का भाग्यशाली और शुभ अंगूठा पाया जाता है। दोस्तों अंगूठे के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो बहुत विशेष माने जाते हैं और मुख्य कुछ ही प्रकार होते हैं। उन सभी अंगूठों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में बताने वाले हैं, बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें और डिटेल्स में देखें बिना स्किप किए। दोस्तों किसी भी इंसान के हाथ में पाए जाने वाला अंगूठा उसके लिए बहुत मायने रखता है। अगर देखा जाए तो महाभारत की कथा में भी जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगा तो उन्होंने एकलव्य से उसी अंगूठे की मांग की जिसकी मदद से वह तीर को अच्छी तरीके से साध सका, निशाना साध सका। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ की 5 उंगलियों में अंगूठा किसी भी इंसान के व्यक्तित्व का आयना होता है, भविष्य दृष्टा होता है, जिसके जरिए उसके गुण और अवगुण, कमजोरियां, ताकत, शक्ति आदि सभी चीज़ों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है और ये भी जाना जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के अंगूठे को हाथ में पा करके प्रकृति के द्वारा बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और भाग्यशाली कई तरीकों से वह व्यक्ति हो सकता है। पाल्मिस्ट्री के जरिए हाथों की लकीरों को पढ़कर भी व्यक्ति का भविष्य जाना जा सकता है। उसी तरीके से अंगूठे को देख करके उसके पूरे व्यक्तित्व और उसके जीवन में धन संपदा, सुख समृद्धि और भाग्यशाली होने का संकेत भी पूरी तरीके से मिलता है। आइए जानते हैं डिटेल्स में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि अंगूठे के शेप और प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से विशेष कुछ ही प्रकार होते हैं। जैसे अंगूठे का मुख्य रूप से 2 प्रकार का होना विशेष रूप से होता है, एक सीधा मजबूत और दूसरा कोमल और झुका हुआ टेढ़ा या मोटा। इन प्रकार के जिन लोगों का अंगूठा सीधा और मजबूत होता है ऐसे व्यक्ति कोमल और झुका हुए बिल्कुल नरम दिल के अंगूठे वाले व्यक्ति के मुकाबले अधिक हठी और मनमानी करने वाले होते हैं। वहीं कोमल और झुका हुआ अंगूठा लिए व्यक्ति के स्वभाव में अस्थिरता देखने को मिलती है। दोस्तों जिन लोगों का अंगूठा पहले जोड़ से ही मुड़ा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों के बहकाव में जल्दी आ जाने वाले होते हैं। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति पक्के इरादे वाले नहीं होते हैं। अक्सर ऐसे लोग दूसरों के लाभ से स्वयं की हानि उठाते हैं और कई प्रकार से बिजनेस हो चाहे नौकरी हो उसमें काफ़ी धोखा भी पाते हैं। फालतू चीज़ों पर खर्च करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों के द्वारा ठगे जाते हैं। मित्रों जिन लोगों का अंगूठा दूसरे जोड़ से झुका हुआ होता है वह समय और परिस्थिति को देखकर ही कोई फैसला लिया करते हैं। ये परिस्थितियाँ को बहुत जल्दी आसानी से जान लेते हैं और अपने इरादे में कोई भी बदलाव लाने से बच जाते हैं। ऐसे लोगों को ठगना या बेवकूफ बनाना बहुत कठिन होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भाग्यशाली माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि अपनी बुद्धि क्षमता से हम हर एक परेशानी को दूर कर लेते हैं और अपनी बुद्धिमानी से अपने हर एक कार्य से सफलता और धन अर्जित कर पाते हैं। दोस्तों जिन लोगों का अंगूठा मोटा होता है वे थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं अपने हर एक कार्य में और गुस्सा वाले और खर्चीले भी होते हैं। वहीं जो पतले अंगूठे वाले व्यक्ति होते हैं वो आत्मनियंत्रण करने वाले होते हैं। इनके अंदर विल पावर, आत्मशक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। ऐसे लोग अपने क्रोध और वासना आदि पर काबू करना बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं, जबकि पतला और लंबा अंगूठा लिए व्यक्ति हमेशा दिखावे के लिए गुस्सा करता है। वह भीतर से बहुत ही नरम दिल का होता है। दोस्तों अंगूठे के प्रकार और आकार व्यक्ति को भाग्यशाली
बताने का पूरा पूरा संकेत देते हैं अपनी बनावट के अनुसार, और अंगूठा भी बताता है आपके संपूर्ण भाग्यशाली होने के संकेत को, आपके भविष्य को। दोस्तों, यदि अंगूठे के पहले पर्व यानी पहले भाग पर यदि आड़ी रेखाएं होती हैं, दिखाई देती हैं, तो व्यक्ति को जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धन से हीन कभी नहीं होते और भाग्यशाली, प्रभावशाली और शक्तिशाली माने जाते हैं। भाग्य का साथ हमेशा इन्हें पूरे जीवन पर्यंत रहता है। ऐसे लोगों को धन संबंधित कार्यों में कभी भी परेशानियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में अंगूठे के पहले भाग पर बहुत सी खड़ी रेखाएं होती हैं तो वो ईमानदार व्यक्ति होता है, भरोसेमंद व्यक्ति होता है। जिन लोगों की हथेली में अंगूठे के पहले पर्व पर 3 खड़ी रेखाएं होती हैं, उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति के द्वारा अब बड़े बड़े कामों को, कार्यों को अंजाम देते हैं और इनका दिमाग भी बहुत ही तेज होता है। शार्प माइंडेड ऐसे व्यक्ति होते हैं और अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक सफलता प्राप्त करते हैं। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में सामान्य से छोटा अंगूठा पाया जाता है, वह लोग निर्बल होते हैं, इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसे लोगों की कार्यक्षमता काफ़ी बहुत कम मानी जाती है और हर कार्य में बहुत धीरे धीरे और पीछे पीछे रहने वाले व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों के अंगूठे के पहले पर्व पर यदि किसी प्रकार का कोई क्रॉस का निशान या चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वो बहुत ही फालतू खर्चीले व्यक्ति होते हैं, खर्चीले मिजाज के होते हैं। ये लोग अधिक व्यय के कारण बहुत सारी परेशानियां जीवन में देख लेते हैं और व्यय करने के बाद में पछताते हैं। यदि अंगूठे का मध्यम भाग अधिक थोड़ा लंबा हो तो व्यक्ति की तर्क शक्ति और जवाबदेही बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी शक्ति होती है कि ऐसे व्यक्ति तार्किक और मार्मिक प्रश्न रहते हैं और प्रश्न करने वाले होते हैं, काफ़ी अपने जीवन में उन्नत भी माने जाते हैं। तर्क शक्ति के कारण इन लोगों का दिमाग काफ़ी तेज होता है। अपनी बुद्धि के बल पर समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, उन्नति, पैसा, धन कमा पाते हैं। यदि अंगूठे के दूसरे पर्व पर यदि कोई गोलाकार निशान यदि देखा रेखाओं के द्वारा बन रहा हो किसी प्रकार से, तो व्यक्ति बहुत अधिक ज़्यादा तार्किक शक्ति और बहस करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा कुतर्क करने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में अंगूठे के दूसरे पर्व पर यदि 3 खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति की जो शक्ति होती है, बोलने की शक्ति, इच्छा शक्ति, कार्य शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बोलने के या भाषणबाजी या वक्तव्य के क्षेत्रों में बहुत आगे जाते हैं। जबकि यहाँ आड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति कुतर्क करने वाला भी होता है, साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति बहुत बाचाल किस्म के भी होते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पर्व पर त्रिभुज का निशान बना हो तो व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्रों में कार्यरत होने वाला वैज्ञानिक और काफ़ी टेक्निकल माइंड होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे दूसरे पर्व पर जाली का निशान बना हो तो व्यक्ति चरित्र का अच्छा नहीं माना जाता। सामान्य ऐसे लोग कुछ हेराफेरी करने वाले या बेईमान भी हो सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धिमान और चतुर जो लोग होते हैं उनका अंगूठा सुंदर और आकर्षक होता है। ये लोग किसी भी काम को चतुराई के साथ पूर्ण करते हैं और लाभ भी कमा पाते हैं। दोस्तों, अंगूठे का अंतिम भाग यदि शुक्र पर्वत की पास वाला भाग अधिक लंबा हो तो व्यक्ति अधिक कामुक प्रवृत्ति का भी होता है, काम इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। अधिकांश लोग जिनकी हथेली में अंगूठा छोटा बेडोल सामान्य से अधिक मोटा दिखाई देता है, वो असभ्य और दूसरों को निरादर करने वाले भी व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे लोग कई बार क्रूर भी हो जाते हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिस व्यक्ति का अंगूठा सामान्य से ज़्यादा लंबा और अधिक हथेली के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ हो, सर्वगुण संपन्न ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। इन लोगों में घर, परिवार और समाज के बीच में घुल मिलकर रहने का गुण होता है और उचित मान सम्मान और धन वैभव की प्राप्ति ऐसे लोगों को मिल पाती है। कल्पनाशील वाले व्यक्ति अधिक काल्पनिक
जो व्यक्ति थे उनकी हथेली में अंगूठा थोड़ा लचीला होता है। लचीला अंगूठा आसानी से पीछे की ओर मुड़ जाता है। ऐसे लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इन्हें हर काम को कलात्मक ढंग से करना पसंद होता है। जिन लोगों का अंगूठा अधिक मोटा होता है उनका स्वभाव अच्छा नहीं माना जाता, जबकि जिन लोगों के अंगूठे अधिक चौड़े होते हैं तो वो क्रोधी और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के माने जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का अंगूठा थोड़ा बड़ा हो वो कलात्मक स्वभाव के होते हैं। जिन लोगों का अंगूठा पतला हो वो अपने स्वभाव के कारण घर परिवार और समाज में काफ़ी मान सम्मान पाते हैं। अंगूठे के जो दो भाग हैं, यदि आपने इन पर गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे हाथ की चारों उंगलियों को तो प्राकृतिक रूप से ये तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन अंगूठे के दो ही भाग माने जाते हैं, देखे जाते हैं। अंगूठे के ऊपरी भाग से यह पता लगाया जा सकता है कि जातक अपने जीवन में किसी कार्य को लेकर के कितना गंभीर रहता है, और जो जितना गंभीर होता है वह व्यक्ति उतना ही पहुँचा हुआ होता है मैंडेट, और अपने कार्य से अपने जीवन में एक भाग्यशाली संकेत उसे प्राप्त होता है। अंगूठे का निचला हिस्सा उसके दिमाग की तेजी और शक्ति बयां करता है। अंगूठे का नीचे का भाग ऊपरी भाग से छोटा हो तो वह जातक कभी भी किसी जीवन में कोई फैसले लेने से पहले सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन यदि यह भाग बड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और भाग्यशाली माने जाते हैं। अंगूठों में सबसे श्रेष्ठ अंगूठा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ अंगूठा काफ़ी लंबा होना चाहिए, इतना लंबा ताकि वह हमारे हाथ की पहली उंगली के ऊपरी जोड़ तक पहुंच जाए। साथ ही ऐसा अंगूठा ना अधिक लचीला होना चाहिए और ना ही कठोर होना चाहिए। देखने में भी यह अंगूठा एकदम सही आकार का हो तभी इसे सर्वश्रेष्ठ अंगूठा माना जाएगा। जिसके भी हाथ का अंगूठा ठीक ऐसा हो वह इंसान बेहद बुद्धिमान, तार्किक और हर तरह की ताकत ऐसे व्यक्ति के पास होती है। बुद्धि, क्षमता, मन और वाणी की, कार्यशैली की, कर्मठता की और धन कमाने की, जीवन में भाग्यशाली बनने की, बुद्धि को इस्तेमाल करके कार्यक्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार में जो है, बहुत धन धान्य संपदा इकट्ठा करने वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है और एक भाग्यशाली, सौभाग्यवान व्यक्ति माना जाता है, चाहे वो इस तरह का अंगूठा किसी स्त्री का हो या किसी भी पुरुष का हो। दोस्तों, ये थे अंगूठे के प्रकार और अंगूठे पे पाए जाने वाले चिन्ह और भाग्यशाली होने वाला अंगूठा, ये सारे प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। तो दोस्तों, इनमें से आप देख सकते हैं कि आपका अंगूठा कैसा है और उसके द्वारा मिलने वाला फल क्या भाग्यशाली है या थोड़ा कम भाग्यशाली है, किस प्रकार से है वो आप अपने अंगूठे को देख करके जान सकते हैं। बाकी सबसे श्रेष्ठ अंगूठा मैंने आपको लास्ट में बता ही दिया है, लेकिन मुड़ने वाला अंगूठा धार्मिक प्रवृत्ति, इंसानियत के दायरे में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति खासा संतुष्टि जीवन में लेकर के चलते हैं, बहुत भागा भागी नहीं करते हैं और भाग्यशाली माने जाते हैं, भाग्यवान भी माने जाते हैं, चिंता से बिल्कुल परे होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है जो होना है सो होएगा, लेकिन कर्मठता और कर्म से पीछे नहीं हटते, इसीलिए ज़्यादातर इनके चांसेस होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन में भाग्यशाली और सौभाग्यवान व्यक्ति ही बनते हैं। ईमानदारी साथ में लेकर के चलते हैं और खासा ऊँचाइयों पर पहुंच जाते हैं, सरल हृदय के और चालाकी से लेकिन ऐसे व्यक्ति परे होते हैं। बस सात्विकता और बुद्धिमानी का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति, लंबे अंगूठे वाले ऐसे व्यक्ति, सुंदर दिखने वाले ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनवान, अति धनवान बनते हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।